आतंकवादियों की कारना हरकत के कारण आज हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। कुछ नसीब हैं जो वतन पर मर मिट जाते हैं, मर कर भी वह लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में भारत माता और तिरंगे का नसीब बसता है। नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सुरस बलिदान दिया है। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बड़ा हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में जी 20 मिनट से पहले पुंछ इलाके में गुरुवार को सेना के ट्रक पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद ट्रक में आग लग गई और राष्ट्रीय राइफल यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में एक जवान घायल भी हुआ है, जिसे उपचार के लिए राजौरी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद सैन्य और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर सेना के वाहन में लगी आग को बुझाया। हमले की जिम्मेदारी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। सेना के मुताबिक सेना का ट्रक सामान लेकर राजौरी सेक्टर में भिम्बर गली से पुश की ओर जा रहा था। ट्रक में कई जवान मौजूद थे। इसी दौरान घने जंगल के बीच कुछ आतंकवादियों ने ट्रक पर हमला बोल दिया। इस हमले को ग्रेनेड से अंजाम दिया गया। इसके चलते वाहन में आग लग गई। घटना के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग भी की। हमले के बाद इलाके में सेना और पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। नमन ऐसे वीरों को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जय झुक के सलाम करता है ऐसे वीरों को।